सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आपका डिफेंस ज्ञान सीरीज के एक फ्रेश एपिसोड में। किसी भी सक्रिय युद्ध क्षेत्र में एयर डिफेंस सिस्टम की जरूरत सबसे ज्यादा सर्वोपरि होती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल न केवल दुश्मन के एयरक्राफ्ट को नष्ट करने के लिए किया जाता है, बल्कि ये एयर डिफेंस सिस्टम एक फ्रेंडली एयरक्राफ्ट को कवर फायर भी देते हैं। और इसीलिए अपनी एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को और ज्यादा मजबूत करने के लिए भारत रशिया से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को भी खरीद रहा है, जो कि अभी तक के सबसे एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम में आता है। और इस S-400 को लेकर हम अलग से वीडियोस भी बना चुके हैं, जिनका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में मिल जाएगा। और आज के एपिसोड में हम भारत की मिलिट्री फोर्सेस द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले 14 ऐसे घातक एयर डिफेंस सिस्टम्स के बारे में आपको बताने वाले हैं, जिनके बारे में आप में से शायद सभी को मालूम ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। तो सबसे पहले है आकाश सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम, जो कि एक मीडियम रेंज का मोबाइल सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम है, और इसे विकसित किया है भारत की डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO ने, और इसका इस्तेमाल इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स दोनों ही करती हैं। इसके मैक्सिमम स्पीड है Mach 2.5, यानी कि करीब 3000 किलोमीटर प्रति घंटा, और इसके ऑपरेशन रेंज है 30 किलोमीटर, और आकाश मिसाइल 18 किलोमीटर के अधिकतम ऊंचाई तक ऑपरेट हो सकती है, जिस वजह से ये मिसाइल आसानी से दुश्मन के ड्रोन्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर्स और यहाँ तक कि मिसाइल्स को भी डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। और इस मिसाइल को एक ग्राउंड बेस्ड राजेंद्र नाम की रडार से गाइड किया जाता है, और ये रडार 80 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट्स को ट्रैक कर सकती है। तो चलिए बढ़ते हमारे दूसरे एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ, जिसका नाम है 2K12 कब, जो कि एक रशियन ओरिजिन का ट्रैक मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये 24 किलोमीटर की रेंज तक टारगेट को हिट कर सकता है, और इसे अधिकतम 14 किलोमीटर की ऊंचाई पर ऑपरेट किया जा सकता है। लेकिन अब ये सिस्टम काफी पुराना हो गया है, और इसे जल्द ही आकाश एयर डिफेंस सिस्टम से रिप्लेस कर दिया जाएगा। तीसरे एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है S-125 पिचौरा। ये भी एक रशियन ओरिजिन का शॉर्ट रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और भारत में इसका इस्तेमाल इंडियन एयरफोर्स द्वारा किया जाता है। ये सिस्टम 3.5 किलोमीटर से लेकर 35 किलोमीटर तक की रेंज वाले टारगेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और इसे अधिकतम 18,000 मीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। और जब तक कि आकाश सिस्टम को पूरी तरीके से इंडियन एयरफोर्स के सर्विस में तैनात नहीं किया जाता है, तब तक इंडियन एयरफोर्स अपने एयर बेसिस को सुरक्षित रखने के लिए इसे मुख्य रूप से इस्तेमाल करती है। अगला सिस्टम है SA-5 या S-200। ये भी एक रशियन ओरिजिन का वेरी लॉन्ग रेंज मीडियम टू हाई एल्टीट्यूड सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और ये सिस्टम Mach 8, यानी कि 9,878 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ 150 किलोमीटर से लेकर 300 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और गाइडेंस के लिए इसमें टर्मिनल रडार होमिंग फेस का इस्तेमाल किया गया है, और इस सिस्टम की सिंगल शॉट किलिंग प्रोबेबिलिटी काफी ज्यादा हाई है, जो कि 0.85 है, और ये लॉन्ग रेंज के बॉम्बर्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है। अगला सिस्टम है 9K33 ओसा AKM। ये रशियन ओरिजिन का हाईली मोबाइल लो एल्टीट्यूड का शॉर्ट रेंज टैक्टिकल सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, जिसे माउंट किया गया है एक 6x6 के MPBS व्हीकल के ऊपर, और इस सिस्टम की अपनी खुद की एक रडार है, जो कि इस व्हीकल के साथ लगी हुई है, यानी ये सिस्टम रेजिमेंटल सर्विलेंस रडार के बिना भी ऑपरेट हो सकता है। इस सिस्टम में इस्तेमाल की गई 9K33M3 मिसाइल्स की रेंज है 15 किलोमीटर, और ये अधिकतम 3672 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रैवल कर सकती है। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है 9K35 स्टेलर 10M3। ये भी एक हाईली मोबाइल लो लेवल का शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और टारगेट को डिस्ट्रॉय करने की इसकी रेंज है 0.8 किलोमीटर से लेकर 5 किलोमीटर, और इसे 25 मीटर से लेकर 3500 मीटर की अधिकतम ऊंचाई तक ऑपरेट किया जा सकता है। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है 9K22 टुंगस्का। टुंगस्का काफी फेमस एयर डिफेंस सिस्टम है, क्योंकि इसे दो अलग अलग तरह के एयर डिफेंस मोड्स के मिक्सचर के साथ बनाया गया है। इस सिस्टम में 10 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को एंगेज करने के लिए 9M311 को तैनात किया गया है, और जबकि 0.2 से लेकर 4 किलोमीटर के क्लोज रेंज टारगेट्स के लिए इसमें डुअल 2A38M कैनन्स लगाई गई हैं, और ये डुअल कैनन गन्स एक साथ करीब 4000 से लेकर 5000 राउंड्स पर मिनट के रेट से फायर करती हैं, और इंडियन आर्मी के पास इसकी करीब 20 से 90 यूनिट सर्विस में मौजूद हैं। अगले एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है ZSU-23-4 सिल्का। पहले ये एक ट्विन कैनन एंटी एयर गन थी, लेकिन फिर बाद में इसे अपग्रेड करके एक लाइट आर्मर्ड सेल्फ प्रोपेल्ड एंटी एयरक्राफ्ट गन के तौर पर बनाया गया,
इस सिस्टम में 4 3 mm की 2A7 ऑटो कैनन्स लगाई गई हैं, जो कि 2000 राउंड पर मिनट के रेट से फायर करती हैं, और इस सिस्टम को लो लेवल एरिया डिफेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये सिस्टम लो फ्लाइंग ड्रोन्स और हेलीकॉप्टर्स के खिलाफ काफी ज्यादा इफेक्टिव है, और इसका इस्तेमाल सक्रिय युद्ध क्षेत्र में इन्फेंट्री यूनिट्स को कवर फायर देने के लिए भी किया जाता है। हालांकि आज के समय के मॉडर्न शॉर्ट रेंज एयर डिफेंस सिस्टम्स की तुलना में ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, लेकिन फिर भी इन्फेंट्री यूनिट्स को सपोर्ट देने के लिए ये सिस्टम काफी ज्यादा मददगार साबित होता है। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है फिम 92 स्टिंगर, जो कि अमेरिकन मेड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम है, और इसे इंफ्रारेड होमिंग सरफेस टू एयर मिसाइल के तौर पर ऑपरेट किया जाता है, और इसकी इफेक्टिव फायरिंग रेंज है 4.8 किलोमीटर। अगला एयर डिफेंस सिस्टम है रशिया का 9K38 इग्ला, जो कि अमेरिका के स्टिंगर डिफेंस सिस्टम का ही इक्विवेलेंट है, और इसे भी एक इंफ्रारेड सीकर के तौर पर तैनात किया जाता है, और ये 2346 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ 5.2 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को हिट कर सकता है। अगले एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है बराकेट, जो कि भारत और इजराइल द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किया गया लॉन्ग रेंज का सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है, और इसका इस्तेमाल एयरक्राफ्ट, हेलीकॉप्टर्स, एंटी शिप मिसाइल और क्रूज मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के लिए किया जाता है, और इसे मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सिस्टम के नेवल और लैंड दोनों ही तरह के वेरिएंट्स अवेलेबल हैं, और ये सिस्टम 2469 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ 0.5 से लेकर 100 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये अधिकतम 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक ऑपरेट करने में सक्षम है। और अब इसके एक एडवांस वेरिएंट को भी विकसित किया गया है, जिसकी मैक्सिमम रेंज है 150 किलोमीटर तक, और फिलहाल अभी इसका मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम का वर्जन अंडर डेवलपमेंट स्टेजेस में है। और अब इसी लिस्ट में अगला एयर डिफेंस सिस्टम है स्पाइडर, जो कि इजराइल द्वारा बनाया गया शॉर्ट एंड मीडियम रेंज का एयर डिफेंस सिस्टम है, और ये 4939 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार के साथ 20 किलोमीटर से 50 किलोमीटर की दूरी तक टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, और ये सिस्टम पाइथन 5 और डर्बी नाम की दो खास तरह की मिसाइल्स के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। बाकी हम एक इस पर एक अलग से वीडियो भी बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या आई बटन में मिल जाएगा। और अब इसी लिस्ट में अगला सिस्टम है पृथ्वी एयर डिफेंस, जिसे प्रद्युमन के नाम से भी जाना जाता है, और ये भारत के इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का ही हिस्सा है, जिसमें पृथ्वी एयर डिफेंस सिस्टम 300 से 2000 किलोमीटर तक की रेंज वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स को एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही इंटरसेप्ट कर सकता है, और ये सिस्टम 6174 किलोमीटर प्रति घंटा से भी अधिक की रफ्तार को हासिल करने में सक्षम है। और वहीं इस लिस्ट में अगले और आखिरी एयर डिफेंस सिस्टम का नाम है एडवांस एयर डिफेंस, यानी कि AAD, और ये भी भारत के इंडिजीनियस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम का ही हिस्सा है, और इसे उन टारगेट्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में एंटर कर चुकी हैं, और ये सिस्टम 30 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक टारगेट को इंटरसेप्ट कर सकता है। हालांकि अभी ये पृथ्वी एयर डिफेंस और एडवांस एयर डिफेंस पूरी तरीके से विकसित नहीं हुए हैं, और इनका विकास कार्य और परीक्षण जारी हैं। लेकिन इन दोनों एयर डिफेंस सिस्टम्स को विकसित करने के साथ ही भारत दुनिया के उन चुनिंदा देशों में आता है जिनके पास खुद का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम प्रोग्राम है। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। अगर इस वीडियो को लेकर आपका कोई सुझाव या सजेशंस हो तो उसे कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।